टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक, तो बेसिक एडवांटेज क्या है इस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का? इट इज अ वाइडली यूज्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो सबसे ज्यादा जो यूज कौन होता है? सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। बहुत सिंपल ऑपरेशन है इसका। मान के चलिए जो वेरिएबल में हम लोग काउंट करते हैं ना, एक जगह सामान को रखे फिर चेक करते हैं ज्यादा है कि कम है, कम हुआ तो और आप चढ़ाते हो, ज्यादा हो गया तो कुछ सामान आप निकाल लेते हो, फिर चेक करते हैं वेट आपको बराबर मिल रहा है कि नहीं। तो यही प्रोसेस है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। जिस तरह से एक वेंडर करता है सब कुछ कैलकुलेशन, वही चीज हम लोग को सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में करना है। हर जगह अप्रोक्सीमेट करके हम लोग रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट। तो जो वाइडली यूज आपका एडीसी है, दैट इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। ठीक है, कन्वर्सन टाइम इज कॉन्स्टेंट एंड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बिट्स इन द आउटपुट। हेंस डीसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट एनालॉग वोल्टेज डीए। जो आपका कन्वर्सन टाइम है वो एनालॉग इनपुट वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है? नंबर ऑफ बिट्स पे। कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं उस पे डिपेंडेंट है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका? अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनालॉग इनपुट वोल्टेज अगेंस्ट एन बिट डिजिटल वैल्यू यूजिंग वन बिट एट ए टाइम। ये बेसिक प्रिंसिपल है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का। जल्दी से आते हैं इसके सर्किट पे और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा इसका ऑपरेशन। ठीक, तो लेफ्ट साइड जो आपका है दैट इज बेसिक कनेक्शन डायग्राम ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, और जो राइट साइड आपको फिगर दिख रहा है दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। फ्लो चार्ट आपका डिनोट करता है बेसिक ऑपरेशन। तो फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो जाएगा इसका बेसिक ऑपरेशन। बट इस फ्लो चार्ट पे न जाके मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊंगा कैसे इसका ऑपरेशन होता है। बेसिकली पहले हम लोग इस कनेक्शन डायग्राम को देख लेते हैं। तो कनेक्शन डायग्राम में आपके कंपोनेंट्स क्या हैं? फर्स्ट कंपोनेंट इज कंपैरेटर। ये आपका क्या है? कंपैरेटर। कंपैरेटर जैसे काम करता था हर जगह, वही चीज यहाँ पे है। टू टर्मिनल से कंपैरेटर में, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। इफ पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई आउटपुट विल बी हाई, इफ नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई आउटपुट विल बी लो। ठीक, तो जो VA है दैट इज इनपुट एनालॉग वोल्टेज। VA क्या है यहाँ पे? इनपुट एनालॉग वोल्टेज है यहाँ पे। PAX क्या है? आउटपुट ऑफ दिस डीएसी। PAX क्या ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे? जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो है। तो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा डिजिटल, उसको फिर से एनालॉग फॉर्म में कंपैरिजन करने के लिए। क्योंकि कंपैरेटर क्या करेगा? सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू अगर आपको मिल गई तो कांस्टेंट कोई कंपेयर कर सकता है ना? एक कांस्टेंट एक डिजिटल तो उसको कंपेयर कर नहीं सकता। ठीक, तो आपको कंपैरिजन करने के लिए यू नीड टू कन्वर्ट दैट डिजिटल वैल्यू इनटू एनालॉग फॉर्म। तो डीएसी हमने यहाँ पे यूज किया है, एक्चुअल में सर्किट एडीसी है, बट फॉर द ऑपरेशन वी नीड टू कन्वर्ट दैट डिजिटल वैल्यू इनटू एनालॉग फॉर्म। तो हम लोग डीएसी भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो डीएसी क्या करता है? डिजिटल को फिर से एनालॉग में कंपेयर कन्वर्ट करता है और उसको फिर हम लोग कंपेयर करके रिजल्ट मिलता है कंपैरेटर का। यहाँ पे कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक विल चेक वेदर द लेवल इज हाई और लो। तो कंट्रोल लॉजिक में क्या कंट्रोल करना है हम लोग, वो चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे ये कंट्रोल लॉजिक काम करता है। स्टार्ट पीओसी इज इंड ऑफ कन्वर्शन। पीओसी क्या डिनोट कर रहा है? इंड ऑफ कन्वर्शन। जब कन्वर्शन कंप्लीट हो गया तो आपको यहाँ से हाई सिग्नल जनरेट होगा, और नहीं है तो स्टार्ट पल्स आपको मिलते रहता है। जब क्लॉक पल्स की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या होती है? 1010 के फॉर्म में। देन कंट्रोल रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू 1x1 इंक्रीमेंट करते जाते हैं फ्रॉम 0000 टू 1111 इन केस ऑफ 4 बिट। जितनी भी वैल्यू आई काउंटर की, यहाँ पे काउंटर की जितनी भी वैल्यू आएगी डिजिटल बिट्स में वो कन्वर्ट कर देगा। 8 आया तो 8 के करेस्पॉन्डिंग डिजिटल बिट 1000, 10 आया तो 10 का इक्विवेलेंट 1010 इस फॉर्म में डीएसी कन्वर्ट करता है। ठीक, क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि फिर से आपको एनालॉग इनपुट चाहिए कंपेयर करने के। ठीक है, तो इसका बेसिक ऑपरेशन देखते हैं हम लोग किस टाइप से करता है आपका। तो इस फ्लो चार्ट को मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग इसके ऑपरेशन को समझते हैं। तो ऑपरेशन के बाद ये इजी हो जाएगा फ्लो चार्ट को भी डिनोट करना। फ्लो चार्ट को फिर आप समझ पाएंगे। हम लोग क्या लेके चल रहे हैं? मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल हम लोग का क्या है कि जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज है दैट इज 10.4 वोल्ट। जो इनपुट एनालॉग सिग्नल है उसकी वैल्यू कितनी है? 10.4 वोल्ट है। ठीक है, और ये क्या मिल रहा है आपको? डीएसी का आउटपुट। वीएक्स क्या है? डीएसी का आउटपुट। अभी अभी मैं आपको बताया ना, ये जितना भी कन्वर्ट होगा यहाँ पे
उसको फिर से हम लोग एनालॉग फॉर्म में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएसी। ठीक, डीएसी कन्वर्ट करके बता रहा है आपको। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो, 1/1, पहले 1 वोल्ट, जैसे यहाँ पे 1 आई वैल्यू, यहाँ से बता देता हूँ आपको, जैसे कंट्रोल लॉजिक की वैल्यू 1 आई, बोला इंक्रीमेंट करो काउंटर को 1 से, एमएसबी की वैल्यू 1 हो गई, फिर उसके बाद वैल्यू आई। ठीक, तो ये एक चीज और यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का, हम लोग की जो प्रोसेसिंग है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम एमएसबी बिट। ठीक, तो जैसे 4 बिट के लिए है यहाँ पे, तो 4 बिट का आपका क्यू की वैल्यू, क्यू इज इक्वल टू Q3, Q2, Q1 and Q0। ठीक है, ये Q की वैल्यू है। जो Q0 क्या है, आपका LSB है और Q3 is MSB। ठीक है, ये LSB और MSB है। कैलकुलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में? कैलकुलेशन विल स्टार्ट फ्रॉम MSB बिट। कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? MSB बिट से हम लोग को स्टार्ट करना है और हर एक बिट को चेक करना है। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कहाँ से करना है? एमएसबी से आपको स्टार्ट करना है और हर बिट को चेक करते जाना है। चेक इन टर्म्स ऑफ कि एनालॉग जो इनपुट सिग्नल है ये इससे हाई है कि लो। ठीक है, अगर जो आपका एमएसबी बिट को बंद करने के बाद देखता हूं मैं, यहाँ से आपको प्रोसेस बताता हूँ। चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से, बस अभी ये चीज ध्यान रखिए, एमएसबी से आपको स्टार्ट करना है और हर बिट को हम लोग चेक करते जाएंगे लास्ट बिट तक। ठीक, तो सबसे फर्स्ट में आपका इनिशियल काउंटर कितने पे है? 0000। पहले आपका रजिस्टर कितने पे था? 0000। ठीक, जब 0000 है तो आउटपुट आपको क्या मिला? यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक, डीएसी कन्वर्ट कर दिया 000 को, आउटपुट में कितने में? 0 वोल्ट में। यहाँ पे आपको कितना मिला? 0 वोल्ट। वीए की वैल्यू कितनी है? 10.4 वोल्ट। तो पॉजिटिव टर्मिनल 10.4, नेगेटिव टर्मिनल 0, आउटपुट ऑफ कंपैरेटर आपको क्या मिलेगा? आउटपुट ऑफ कंपैरेटर विल बी हाई। जैसे ही हाई मिला, कंट्रोल सिग्नल पास करता है सिग्नल रजिस्टर को, कंट्रोल रजिस्टर को, कि आप काउंटर को इंक्रीमेंट करें। ठीक, एंड सेट द एमएसबी बिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या सिग्नल पास करता है? नाउ इंक्रीमेंट द काउंटर एंड सेट द एमएसबी बिट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जैसे ही 1 आएगा तो एमएसबी बिट को आपको 1 सेट कर देना है और काउंटर को इंक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, Q3 की वैल्यू को क्या कर दिया 1, क्योंकि हाई मिला था Q3, क्योंकि MSB से स्टार्ट करना है ना, Q3 की वैल्यू 1, बाकी सब 0। तो 1000 DAC फिर कन्वर्ट किया कि 1000 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 8 वोल्ट। तो अब ये क्या हो गया? 8 वोल्ट। फिर कंपेयर हुआ कंपैरेटर में, नाउ नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इज 8, पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज 10.4। चेक करेगा कंपैरेटर, कंपैरेटर का आउटपुट फिर क्या मिला आपको? हाई, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज हायर पोटेंशियल पे है। फिर आपका हाई हो गया, हाई जैसे हुआ फिर आप कंट्रोल सिग्नल क्या पास करेगा कि देखिए, अब ये जो Q3 बिट थी इसकी दोनों पोजीशन चेक हो चुकी है, पहले आपका 0 था, सेकेंड टाइप 1 हो चुका है, इसका पोजीशन चेक, तो अब वो लॉक हो जाएगा, वो बिट क्या हो जाएगी अब? लॉक। अब आप सेकेंड बिट पे चलेंगे, नेक्स्ट जो एमएसबी है, नेक्स्ट एमएसबी अब आप क्या है आपका? Q2। Q2 की वैल्यू अब आप क्या करते हैं? 1। क्यों 1 किया है? क्योंकि कंपैरेटर का आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? हाई मिल रहा है। ठीक है, तो अब मैं Q2 की वैल्यू क्या करता हूं? 1 कर देता हूं। फिर देखिए, जैसे ही 1 किया, डिजिटल बिट आपको क्या मिली? 1100। 1100 के करेस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना है? 12 वोल्ट। अब आउटपुट आपको क्या मिली? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कहां पे गया? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कंपैरेटर। पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कितना था? 10.4। आउटपुट आपको क्या मिलेगा? अब negative terminal is at higher potential as compared to positive terminal. जैसे आई मिला, output of the comparator will be 0. Output of the comparator आपको क्या मिल गया? 0. जैसे ही 0 signal आया, control register क्या pass करेगा? ये bit सही नहीं है, अब आप क्या करिए, उसको change कर दीजिए फिर से 0 position पे। क्या करो आप? जिसको आपने 1 किया था, then reset it to 0. तो कंट्रोल सिग्नल ये पास करता है, तो जैसे जिस बिट को हमने 1 किया था, अब उसको क्या कर देंगे? फिर से 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? फिर 1000 कितना हो गया? 8 वोल्ट। फिर से 8 वोल्ट आ गया। ठीक, तो अब Q2 पोजीशन का 1 और 0 दोनों आपका चेक हो चुका है, तो अब ये बिट भी आपकी क्या हो गई? लॉक हो गई। फिर देखिए, अब नेगेटिव टर्मिनल 8 पे, पॉजिटिव टर्मिनल आपका 10.4 पे, अगेन पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टेज इज हाई as compared to negative terminal voltage,
आउटपुट आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वन। जैसे ही वन मिला क्या पास करेगा, नेक्स्ट एमएसबी बिट को आप क्या करो, वन करो। क्या पास करेगा सिग्नल, कंट्रोल रजिस्टर, कि नेक्स्ट एमएसबी बिट को अब आपको वन करना है। नेक्स्ट एमएसबी क्या है, क्यू वन है, तो क्यू वन की वैल्यू आपकी क्या हो गई, वन हो गई। तो ये आपका सेट, अब ये क्यू थ्री और क्यू टू दोनों सेट हो गए। अब आपको क्यू वन को चेंज होता है, क्यू वन की वैल्यू वन, कितनी वैल्यू आई, 1010 कितना हो गया, 10 वोल्ट। अब ये कितना हो गया, 10 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे 10, पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है, 10.4। अगेन देखिए क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। आउटपुट विल बी व्हाट, आउटपुट विल बी 1। जैसे ही 1 मिला क्या बोलेगा कंट्रोल रजिस्टर, जो बिट आपने 1 किया था वो ठीक है, उस बिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको क्या करो, सेट कर दो उसी पोजीशन पे। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट एमएसबी बिट को 1 करिए, ये बिट आपकी आपकी क्या होगा, सेट। अब नेक्स्ट बिट को आपको क्या करना है, 1 करना है। तो नेक्स्ट बिट को आपने 1 कर दिया, नेक्स्ट आपका एमएसबी क्या है, 0 है, 0 की वैल्यू आपने 1 की, तो 1011 क्या हो गया, 11 वोल्ट। नेक्स्ट इज 11 वोल्ट। देखिए फिर यहां गया, नाउ नेगेटिव टर्मिनल इज एट 11 वोल्ट, पॉजिटिव टर्मिनल इज एट 10.4 वोल्ट। क्या मिलेगा आउटपुट, आउटपुट विल बी 0। Why 0? Positive terminal is at lower potential as compared to negative terminal. Output 0. क्या पास करेगा control register? कि जिस bit को आपने 1 किया है वो ठीक नहीं है, अब आप क्या करो, फिर से उसको reset कर लो, क्योंकि हमको output क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो जिसको आपने 1 किया था उसको आप फिर से क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो output क्या मिला, 1010, that means 10 volt. यहाँ पर अब आपका आ गया 10 volt. कोई bit बची नहीं, पूरी bit चेक हो चुकी है Q3 से लेके Q0 तक, तो इसका करेस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिलता है, 10। तो डिजिटल आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1010। दैट मींस द कन्वर्शन ऑफ 10.4 इज इक्वल टू 1010। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस फॉर सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। इसी को हमने यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम के थ्रू इंडिकेट किया है। फर्स्ट पे आपको क्या मिल रहा था, 0। सेकेंड पे आपको क्या मिला, 8 वोल्ट। फिर उसके बाद 8 के बाद आपको कितना मिलता है, 12 वोल्ट। 12 के बाद फिर 8 वोल्ट, फिर 8 के बाद 10, 10 के बाद 11, और 11 के बाद फिर यहाँ पे कन्वर्शन। ये जो है आपका एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोसेस है सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी का। स्टार्ट कहाँ से करना है, एमएसबी बिट से। हर एमएसबी बिट के लिए आप चेक करते जाएंगे, 1 0 दोनों पोजीशन बिट के लिए। अगर कंपैरेटर आउटपुट हाई है तो एमएसबी बिट को आप 1 करिए, अगर उसका लो आया तो जिस भी एमएसबी बिट को आपने 1 किया था उसको फिर से रिसेट कर दीजिए 0 पे, और 1 और 0 दोनों चेक हो चुकी हैं उस बिट की, तो उसको आप क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। ठीक, ये बेसिक प्रोसेस है, और यही इस फ्लो चार्ट में बता रहा है। सबसे पहले स्टार्ट आपको क्या करना है, सब बिट्स को क्लियर करना है 0000 पे। स्टार्ट कहां से करना है, एमएसबी से। तो सबसे पहले एमएसबी बिट को हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं 1 पे। 1 करने के बाद देखिए VAX इज ग्रेटर देन VA है कि नहीं, कहां पे चेक हो रहा है, कंपैरेटर पे ये चेक होगा। अगर है तो आप क्या कर दीजिए, उसको क्लियर कर दीजिए, नहीं है तो आप फिर चेक करिए, क्योंकि पूरी बिट्स को चेक कर चुके हैं क्या, अगर नहीं चेक हुए हैं तो नेक्स्ट बिट पे चले जाइए, अगर हो चुका है तो कन्वर्शन कंप्लीट। ठीक, तो दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन।